भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम जो भी रहे, भाई लोग 90 का दशक खत्म होने को था। वो इस टाइम पर राजधानी दिल्ली में खून से सर के लाल हो गए ली। आम लोग सदमे में थे, पुलिस लाचार थी, प्रशासन तमाशा देख रहेला और एक यंग छोकरा अक्के दिल्ली में भोगाल मचा रहेला। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली का बाप था नीतू दाबोलिया। इस बाबू के पास ऐसे ऐसे छोकरे थे जिनका नेम अपन आगे बताएंगा, जिसने अक्के दिल्ली को इटली माफिक माफिया जोन बना डाला था। मगर अब समय बदल चुका था, हर गली में छोकरे लोग को गुंडा बनना था। उन्हीं में से एक था नीरज बवाना, जो दाबोरिया गैंग से अलग होकर खुद का गैंग बनाया। फिर जो गैंग वॉर मची, अक्के दिल्ली में साला लाल पानी बहा डाला। नीतू दाबोरिया और बवानिया गैंग ने राजधानी दिल्ली को दिल्ली अंडरवर्ल्ड बना डाला था। कहा जाता है कि दोनों गैंग की गैंग वॉर में आज तक 100 से ज्यादा छोकरे लोग लुढ़क गए हैं और आज भी यह गैंग वॉर जारी है। तो भाई लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, देखेंगे कौन होएगा सबसे ताकतवर। वीडियो नीतू दाबोड़िया की बात करें तो नीतू दाबोड़िया को जानने वाले उसे नीतू कुणबा बुलाते हैं। काई को बुलाते अपुन नहीं जानता, अगर तुम लोग जानते हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। मगर शुरुआती दौर में नीतू दाबोड़िया जज्जर में टैक्सी चलाया करता था और वहीं से अपराधी बना, क्योंकि भाऊ के शौक बड़े बड़े थे। वहीं नीरज बवाना की बात करें तो नीरज बवाना का असली नेम नीरज सहरावत है, जो बाहरी दिल्ली के बवाना का रहने वाला है। इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करने वाला बवाना बचपन में ही अफीम का शौकीन हो गया और इसी अफीम की चक्कर में अपराधी बनेला। अब बात करें पहले कांड की तो नीतू दाबोड़िया ने पहली बार कांड किया दिल्ली के रिहायशी इलाकों में, जहां एक रात में 3 डकैती डाली थी। वहीं नीरज बवाना ने पहली बार हरियाणा के भिवानी शहर में कांड किया, जहां नीरज बवाना ने लूट चलाई थी। यह वही टाइम था जब नीरज बवाना ने दाबोड़िया गैंग ज्वाइन किया। अब बात करें सबसे बड़े कांड की तो नीतू दाबोड़िया का सबसे बड़ा कांड था एक हेड कांस्टेबल की हत्या। दरअसल साल 2012 में रात के समय दिल्ली के कांस्टेबल रामकिशन ने नीतू दाबोड़िया की कार को रोका। जब उससे सवाल जवाब किए तो नीतू को गुस्सा आया और रामकिशन की ऑन ड्यूटी हत्या कर दी। बस यहीं से नीतू दाबोड़िया की मौत का अध्याय लिखा गया। वहीं नीरज बवाना का सबसे बड़ा कांड था 2015 में पुलिस वैन में गैंग वॉर। नीरज बवाना और उसके साथ छोकरे लोग ने मिलकर पुलिस वैन में दाबोड़िया गैंग के पारस और प्रदीप को टपका दिया। अब बात करें जेल ब्रेक की तो वीडियो अगस्त 2012 में नीतू दाबोड़िया को भोड़सी जेल से साकेत कोर्ट ले जा रहे थे, तभी दादा हरियाणा पुलिस को चूना लगाकर कल्टी मार लिया। वहीं नीरज बवाना 2013 में पेरोल जमकर पल्टी मार लिया था। अब बात करें गैंग मेंबर की तो दाबोड़िया गैंग में अशोक प्रधान, ललित राठी, गुरबच्चन जाट, काला बदानिया प्रदीप काला, संदीप चितानिया सुंदर बाबा, गुल्लर प्रधान प्रदीप उर्फ भोला, राजेश डुमर, पारस केसु और राजेश बवाना। वीडियो यहाँ जो नेम बताए गए उनमें से बहुत सारे जिंदा ना है, मगर एक सच यहाँ भी है कि दिल्ली अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर को लाने वाले यही छोकरे लोग थे। अब बवानिया गैंग के छोकरे लोग की बात करें तो नवीन बाली, राहुल काला, राजीव काला, शक्ति दादा, पंकज बवाना, सुनील मान, परवेश मान, नवीन भांजा, मनिंदर जी। और कहा जाता है कि हाल ही के समय में बवानिया गैंग में सबसे ज्यादा गैंगस्टर है। अब इनाम की बात करें तो नीतू दाबोड़िया के ऊपर पुलिस ने 8 लाख का इनाम रखा था, वहीं नीरज बवाना के ऊपर 7 लाख का। अब टोटल केस की बात करें तो नीतू दाबोड़िया पुराना खिलाड़ी था और सन की भी था। इसके मध्य 100 से ज्यादा केस थे, हत्या, हत्या के प्रयास, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लूट, रंगदारी वसूली, अपहरण, डकैती, ये दाबोड़िया गैंग का मुख्य धंधा था। वहीं नीरज बवाना के ऊपर भी 100 से ज्यादा केस है। वहीं बवानिया गैंग का मुख्य धंधा है जमीन कब्जा, सेटलमेंट वसूली, डकैती, गैंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, अपहरण और मर्डर। भाई लोग लास्ट में यह भी जान लो कि दोनों के बीच दुश्मनी की वजह क्या थी। तो सुनो वीडियो, दुश्मनी की वजह थी ईगो और वर्चस्व।
साल 2011 में दापोड़िया गैंग में जोनू पंडित की एंट्री हुई, मगर जोनू की नीरज भवाना से खूब जमती थी, जिस वास्ते दापोड़िया को शक हुएला कि सोनू नीरज को अपने बारे में भड़का रहेला, तो दापोड़िया ने जोनू को ठोक डाला। यहीं से तुतु में हो गए। फिर ईगो के चक्कर में दोनों गैंगोर पे उतर आए। भाई लोग 2013 में वसंत कुंज इलाके में नीतू को पुलिस ने ढेर कर दिया। वहीं नीरज भवाना आज तिहाड़ की 2 नंबर की जेल में हवा खा रहेला। तो भाई लोग कमेंट कर जरूर बताना दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर लगता है। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।